सो हम फाइनली यहाँ पर आ गए हैं होस्टपेड में. सो वी ट्रैवल बाय बस बिकॉज बस सबसे कम टाइम ले रही थी एंड हमारे स्लॉट के हिसाब से सिर्फ बस ही अवेलेबल थी. एंड यहाँ से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज़ होस्टपेड एंड नियरेस्ट एयरपोर्ट इज़ हुबली. बट बस से इट टुक अस लाइक 15 to 16 hours. भाई अगर हम ट्रेन से आते तो इट वुड हैव टेकन अस 18 to 20 hours. तो अभी यहाँ पर हम होस्टपेड में हैं. यहाँ से हम्पी इज़ लाइक अनदर 10 kilometers अवे. तो अभी हम यहाँ पर 3 दिन रहेंगे. सो जस्ट प्लानिंग और जर्नी कैसा करना है. सो वी हैव रीच्ड हिप्पी आइलैंड एंड दिस इज़ अवर कॉटेज स्टे. तो यहाँ पर एक्चुअली जस्ट इसके पीछे देर इज़ द लेक जहाँ पर बोटिंग वगैरह होती है. सो वी बी गोइंग ओवर देयर. सो हिप्पी आइलैंड बेसिकली गवर्नमेंट ने डिस्ट्रॉय कर दिया था ड्यू टू सम इको सेंसिटिव जोन. बट कोई कोई प्लेसेस पे आपको ये कॉटेजेस मिल जाएंगे रेंजिंग फ्रॉम 1000 to 1500. बड़ा कॉटेज लोग तो 3000 तक का आपका कॉटेज पड़ेगा जहाँ पर 4 लोग एकोमोडेट कर सकते हैं. सो इसके अंदर इनका रेस्टोरेंट भी है. तो ये रेस्टोरेंट में भी आप खा पी सकते हैं. यहाँ पर पूरा इको फ्रेंडली जोन है. यहाँ पर आराम से स्टे वगैरह कर सकते हैं. एंड आपको एक्टिवाज भी रेंट पे मिल जाएगी कॉस्टिंग यू सम 300 और पेट्रोल के साथ 400 रुपये के आसपास आपको एक्टिवाज मिल जाएगी. सो जस्ट लेट मी शो यू द कॉटेज और ये पूरा जो रिजॉर्ट है छोटा सा. So we are here at the birthplace of Lord Hanuman. Stop.
कैसे हुए 200 350 सो इट्स लाइक 576 स्टेप्स अभी हम लोग को 300 स्टेप्स ही हुआ है ऊपर जाने के ये दिस दिस प्लेस कोराकल बोटिंग पॉइंट। यहाँ पर एक ये बोटिंग होती है, छोटे से गोल सा कटोरे में आपको बिठा के मस्त बोटिंग करेंगे लोग, पूरा ये लेक पे घुमाएंगे, सोनापुर लेक पे। इसका कॉस्ट कुछ बार्गेनिंग करना पड़ता है, हमको तो अभी 800 का है, बट डिपेंड्स कितना होता है मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। बट लुक एट द पॉइंट, सो ब्यूटीफुल। यहाँ भी हम आए हैं एक वाटरफॉल चेज करने। डैम का वाटर पानी छोड़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में पानी आता है, उसको वाटरफॉल कहते हैं यहाँ पर लोग। बस दिखाता हूँ आपको, बस रिप्लीज इधर सब यार, कम हेयर टू टेक सनराइज का वीडियो, जो कि हमको भी नहीं मालूम एग्जैक्टली पहाड़ पे चढ़ने का रास्ता कहाँ से, बट देख रहे हैं यहाँ से चढ़ने के ऊपर टू गेट द सनराइज। थोड़ा लेट हो गया है बट जितना आ सके उतना ले सकते हैं, जिससे सूरज बाहर तो निकला नहीं है, बस थोड़ी रोशनी हो गई है, तो लेट्स गो। तो फाइनली वी हैव मैनेज टू कम नॉट सबसे ऊपर तो मैं बोलूँगा ये, और ये मेरे पीछे का सबसे ऊपर है, बट थोड़ा बहुत तो पहुँच गए, सनराइज देख सकते हैं आप हल्का सा। यहाँ पे सब कुछ ये ट्रैक मेंशन नहीं है, और
ना ही कोई रास्ता मेंशन है, ये तो हमने ऐसी हमारे रिजॉर्ट के पीछे एक ये पॉइंट देखा था एंड लोकल्स को पूछा था, तो देवर लाइक के ये पहाड़ पर चढ़ के आप सनराइज़ देख सकते हैं। तो सो हाउ मच वी ट्राइड यहाँ तक पहुँचने का एंड ट्राइंग टू गेट द व्यू।